अखिलेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बड़ी हॉट सीट रही है छिंदवाड़ा और कांग्रेस का ये गढ़, कांग्रेस यहाँ से हारी नहीं कभी, तो नकुलनाथ के चेहरे पे जो शिकन थी वो नजर आई या फिर खुशी या फिर ऐसा लगा कि चलिए जीत तो इस बार भी पक्की? देखिए, कांटे का मुकाबला है शिका, वहाँ पर हमने जो ज़मीन पर देखा और जो नाथ परिवार है उसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। 200 सभाएं कमलनाथ ने छोटी बड़ी मिला के की और वहाँ पर उन्होंने बहुत इमोशनल अपील की। उनको भी पता है कि नकुलनाथ पिछला इलेक्शन भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, अंडर 50,000 से, और इस बार जब सामने सरकार नहीं, पिछली दफ़ा तो वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में बंटी साहू के सामने बहुत कांटे की चुनौती है और बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि जो बंटी साहू है वो शहर में उनका असर हमें देखने को मिला, लेकिन जो आदिवासी बेल्ट हैं, जो अंदर की विधानसभाएं हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जोर देखने को मिला। तो मुकाबला बड़ा रोचक है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, 5 बजे तक 73% से ज़्यादा वोट पड़ा, जो पिछली बार से ज़्यादा है। ये बढ़ा हुआ वोट किस तरफ जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन नकुलनाथ को थोड़ी राहत उस वक्त मिली जब दोपहर के 12 बजे के आसपास वो मेयर, जब छिंदवाड़ा के मेयर जो पार्टी छोड़ के चले गए थे दोपहर को, एक तरह से कांग्रेस में वापसी कर लेते और उसके बाद एक और नकुलनाथ के लिए वोट अपील भी करते नजर आए थे, तो कुछ राहत उनको वहां से मिलती दिखी। जी, तो कुल मिलाकर की जो तस्वीर है कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टीज के लिए किसी को फेवर में दिख रही है, किसी को कांटे की टक्कर के रूप में दिख रही है। कन्हैया शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं जगदलपुर से। कन्हैया, वहां पर क्या समीकरण रहा आज पूरे दिन? देखिए, आपको बता दें कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा होता है आदिवासी, और बस्तर संभाग का आज चुनाव था। बस्तर सीट से, लोकसभा सीट से चुनाव में कवासी लखमा कांग्रेस से खड़े थे और महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से खड़े थे। 2004, 2009, 2014 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, और लेकिन 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जो कांग्रेस के इस समय राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज, यहाँ से चुनाव लड़े थे लोकसभा में, जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। लेकिन अब की बार की हम बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो अब की बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कवासी लखमा हैं, और कवासी लखमा भी आदिवासियों का बहुत ही चहेता चेहरा है और कोंटा से आते हैं, सुकमा के आसपास का इलाका। उनको हमेशा देखा गया है कि वो आदिवासियों के लिए, उनके बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से अब की बार कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि 11 की 11 जो सीटें हैं वो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में जीत करके सामने लेकर के आएंगे, और इसी चीज़ को लेकर के लगातार ये बातें की जा रही हैं, क्योंकि आदिवासियों का विकास, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था, ये सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ में सिर्फ आदिवासियों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाता है और उसी के मुद्दे पर चुनाव जीता जाता है। तो निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों ने मेहनत की है, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो बस्तर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिली है, क्योंकि ये आदिवासी इलाका है, साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक वोटिंग हुई थी, क्योंकि वो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, और हेलीकॉप्टर से जो मतदान केंद्र में मतदान दल के जो कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो सुरक्षा के कर्मचारी हैं, वो वहां पर गए। इस समय वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन की यही है कि जो सुरक्षाकर्मी जवान जो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में जिनकी सुरक्षा में ड्यूटी लगी थी, उनको सही सलामत और सुरक्षित और वापस लेकर के आना, ये सबसे बड़ी चुनौती हर बार देखने के लिए। हर एक पार्टी खेलती नजर आई और आदिवासी कार्ड भी जाहिर है लोग खेलते हुए नजर आए। अविनीश श्रीवास्तव पीलीभीत से जुड़े हुए, अविनीश आपने क्या कुछ देखा आज और क्या समीकरण बनते हुए पीलीभीत में नजर आए? देखिए शिका, पीलीभीत का जो समीकरण बड़ा ही दिलचस्प था। हालांकि अगर आपको जानकारी दे 2019 की, तो 2019 में बीजेपी के गांधी परिवार से आने वाले की लगातार जीत हुई है, पहले मेनका गांधी, उसके बाद वरुण गांधी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट कर और एक ब्राह्मण चेहरा यानी कि जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। और पीलीभीत की अगर हम लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आते हैं जिसमें 18 लाख मतदाता हैं, और अगर वोट परसेंटेज की अगर हम शिखा कर बात करें तो सुबह 9 बजे के तकरीबन जो वोट परसेंटेज था वो 13.36 था, और जो इसके जो मतदान जो थे वो पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, बिशनपुर, बहेड़ी। तो देखिए, खास तौर पर यहाँ पर जो मुस्लिम जो वोटर्स है वो तकरीबन 4.5 लाख है, कुर्मी वोट 3.5 लाख है, पंजाब
चुनावी वोट की अगर बात करें, चूंकि यहाँ पर जो कि मतलब कि जो पूरन जो एरिया है पीलीभीत का, वो एक पंजाबी वाला क्षेत्र है, और ओबीसी की अगर हम बात करें अगर तो ओबीसी आपके लोधी और आपके कश्यप शाक ये ऐसे ये जो ओबीसी में जो आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, इस पे कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम करने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब बीते दौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीलीभीत में जो रैली करते हैं उसका एक खासा असर देखने को मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में इन दोनों में जो है कि लड़ाई थी, हालांकि जो आम जनता की जो रिपोर्ट जो निकल के आ रही थी कि आम जनता जो है कि दोनों ही पार्टी से कहीं ना कहीं एक नाखुश भी सरकार जो है बदलती है और लोगों की जो मांग होती है वो पूरी होती है। अभिषेक शर्मा नागपुर से है। अभिषेक, नागपुर की सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट रही है और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी, पहले उन्हें पहले फेज में टिकट नहीं दिया गया तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपना रुख बदल सकती है, लेकिन नितिन गडकरी पर बीजेपी को आकर रुकना पड़ा। क्या जनाधार कह रहा है नागपुर का? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, बीजेपी की एक रीति रही है, बीजेपी के अंदर एक बकायदा सर्वे किया जाता है हर एक लोकसभा को लेकर कि कहां कहां पर अगर किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए तो वह जीत सकता है, और इस बार खासतौर से महाराष्ट्र में यह प्रयोग बहुत अधिक पैमाने पर किया गया। और आप देखिए, यही कारण है कि एनडीए की यानी जो यहां पर महायुति कही जाती है महाराष्ट्र में, उसमें अभी भी कई सीटों पर एनडीए के जो उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है, अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हो पाया है। कारण सब साफ है कि इनके बीच में आपस में सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे और अजीत पवार के बीच में कहीं कहीं लगातार खेस मची हुई है कि एक दूसरे सीटों को लेकर। लेकिन यह साफ है कि अगर नागपुर की चुकी हम बात कर रहे हैं तो नागपुर एक ऐसी जही सही का आपने कि हैवी वेट नेता वाले यहां पर एक लोकसभा क्षेत्र का यहां पे एक नेता का शहर है और उन्हें लगता है कि यह सीट उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन हाँ, यह बात साफ है कि 10 साल चूंकि यहां पर सांसद रह चुके हैं, अगर 10 सालों की बात करें जरूर यहां की जनता 10 साल बाद एक हिसाब लेगी। हालांकि 5 साल पहले चुनाव हो चुका था, वापस उन्हें चुनकर उनको रिवार्ड दिया था, लेकिन इस बार नितिन गडकरी का यह एक प्लान है, एक उन्हें इस बात का भरोसा है कि यहाँ की जनता उन्हें भारी मदद जिताएगी। लेकिन यह तो 4 जून को तय हो पाएगा क्योंकि आज सभी क्योंकि परिणाम 4 जून को आ रहे हैं और जनता ने क्या डिसाइड किया है, क्या डिसाइसिव एंगल है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। केशव कोयम्बटूर से जुड़े हुए हैं। केशव, अन्नामलाई को लेकर के बस जो है ना केवल दक्षिण में बल्कि नॉर्थ में भी खूब रहा है और कहा जा रहा है कि अन्नामलाई जो है प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम लोगों के पीठ पे हाथ रखते हैं और अन्नामलाई उनमें से एक है। क्या नजर आया, क्या अन्नामलाई वहां के रण को साथ पाएंगे, क्योंकि दक्षिण सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। बिल्कुल सीखा आपने सही कहा। आज जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में ही हुई है। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुई है, तकरीबन 62% वोट प्रतिशत रहा है। लेकिन कोयम्बटूर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहां से खुद के अन्नामलाई लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पॉपुलरिटी की बात करें तो ना सिर्फ साउथ में बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी वो पॉपुलर है क्योंकि लखनऊ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, कर्नाटका में बतौर IPS उन्होंने किया है। तो ऐसे में जो उनकी लोकप्रियता है वो ना सिर्फ साउथ के तमिलनाडु में है बल्कि आसपास के भी राज्यों में है। इसी का जो देखने के जो नतीजा रहा है वो कोयम्बटूर में साफ तौर से देखने को मिला। सुबह से ही मैं कई बूथों पर गया हूँ, लोग उनको जानते हैं और पिछले 3 से 4 सालों से बतौर प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बहुत काम किया। उनका एक पद यात्रा भी था, मेरी माटी मेरे लोग, उसके जरिए तमिलनाडु के घर घर जाकर बीजेपी के बारे में उन्होंने बताया। इसीलिए हमने देखा किस तरह से तमिलनाडु में तकरीबन 12 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे तो उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनका पीठ भी थपथपाया था सभी के सामने चुनावी सभा में। बिल्कुल, और इसलिए मैंने कहा भी केशव कि दक्षिण का रण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुल 131 लोकसभा सीटें दक्षिण में और साधने का मौका ये एक आखिरी आप कह सकते हैं क्योंकि जो टारगेट बीजेपी आगे लेकर चल रही है 247 तक का और जो टारगेट अभी के लिए लेकर चल रही है 400 प्लस का, उसके लिए दक्षिण के सीटों को साधना जरूरी है।